अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू सवात। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमारी आज की दूसरी लोकेशन जिसे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है वादी कलाम। हाँ, हम वहीं जा रहे हैं जहाँ वादियाँ कलाम करती हैं। ये दरियाए सवात है और दरियाए सवात हमारे साथ साथ रहेगा कलाम तक। अगर आप ज़मीन पर जन्नत जैसी खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आप सवात मत भूलें। हम बहरीन के रास्ते कलाम जा रहे हैं। बहरीन सवात से 60 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत वादी है। बहरीन एक सियाहती मुकाम है। हमने यहाँ पर नाश्ता किया। इसका ये नाम यहाँ पर मौजूद दो दरियाओं की वजह से रखा गया है। एक दरियाए सवात है और दूसरा दरियाए दराल। सवात से कलाम 100 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। अगर मौसम अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग नहीं होगी, तो आप 3 घंटे में कलाम पहुंच जाएंगे। कलाम के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। ये रास्ते आपको एक अलग सी खूबसूरती में कैद कर देते हैं और बेसाहता आपका सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहमान नवाज हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितनी खूबसूरती से बनाया है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितनी ज़्यादा मोहब्बत से बनाया है। हर मंज़र दूसरे मंज़र से ज़्यादा खूबसूरत है और बेशक अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन मुसव्वर है। जब हमें पकोड़े नज़र आते हैं तो हम कैसे रुक सकते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही अच्छी लोकेशन नज़र आई तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ गाड़ी रोककर कुछ मोमेंट्स को अपने कैमरा रोल में सेव कर लिया जाए। एंड लुक एट दिस शाहरुख खान। अब इतनी अच्छी स्नो देख के ये पोस्ट तो बनता है ना। कुछ मंजर खुद में सारा जहान रखते हैं और ये मंजर भी कुछ ऐसा ही था। ऐसा ही होता है जब आप पहली बार स्नो देखते हैं। हाइकिंग का ट्रैक बहुत मुश्किल था, लेकिन हम उस वादी तक पहुंच गए जहां से वादी कलाम का सारा मंजर नजर आता है। ये मंजर बहुत खूबसूरत है। ये आपकी यादों में हमेशा महफूज रहेगा।
यहाँ की खूबसूरती देख के आपको महसूस होगा कि हाँ, हकीकतन यहाँ पे बादल, पहाड़, वादियाँ, ग्लेशियर्स, आबशारें, हवा, ये सब आपसे कलाम करते हैं। शायद इसीलिए इस वादी का नाम वादी कलाम रखा गया है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहें, सलामत रहें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।